यूपी सरकार के साथ ही अब यूपी की नौकरशाही ने भी मिशन सुधार शुरू किया है। बुधवार को यूपी के प्रमुख सचिव सूचना और डीजी पर्यटन समेत कई पद संभालने वाले आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी ने आते ही पर्यटन विभाग में एक बड़े घोटाले को पकड़ा और लगातार चल रहे घोटाले पर रोक लगाई गई है। इंडिया 24/7 पर बड़ा खुलासा। यूपी में पर्यटन के नाम पर घोटाला। सरकारी गेस्ट हाउसेस की खुली बंदरबांट। औने पौने दामों पर निजी कंपनियों को लीज। यूपी के पर्यटन विभाग में पिछली सरकार के दौरान नई पर्यटन नीति के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। पर्यटन विकास निगम के कई गेस्ट हाउसेस को बेहद कम कीमत में निजी कंपनियों को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया था। गोरखपुर, वृंदावन, मथुरा समेत 8 जगहों के गेस्ट हाउस को लेकर ये फैसला लिया गया था, जिनमें से 6 गेस्ट हाउसेस को निजी कंपनियों को हैंडओवर भी किया जा चुका है। लेकिन सीएम योगी के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने इस घोटाले को रोकते हुए बाकी के 2 जिलों के गेस्ट हाउस के निजी कंपनियों को हैंडओवर पर रोक लगा दी है। महोबा में पर्यटन विकास निगम के गेस्ट हाउस को एक प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 9 लाख रुपए सालाना की लीज पर हैंडओवर कर दिया गया, तो वहीं मथुरा के 3 गेस्ट हाउस में से 2 अच्छे खासे केंद्र को पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने निजी कंपनियों को 30 सालों की लीज पर दे दिया। बताया गया कि ये दोनों केंद्र घाटे में चल रहे थे, जबकि दोनों ही केंद्र प्राइम लोकेशन पर हैं। ये फैसला चुनाव आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले किया गया। ऐसे में सवाल उठा कि जहां रोज हजारों पर्यटक आते हों, वहां सरकारी गेस्ट हाउस घाटे में कैसे चल सकते हैं, और अगर ऐसा है तो पर्यटन विभाग इसे बेहतर ढंग से चलाने में नाकारा क्यों साबित हो रहा था, और घाटे में चल रहे ऐसे केंद्रों को निजी कंपनियां भला प्रॉफिट में कैसे बदलेंगी। जाहिर है ऐसे सवालों के जवाब ही इसके पीछे की कहानी कह देते हैं। दरअसल पिछली सरकार में नेताओं और अफसरों के गठजोड़ ने करीब 37 गेस्ट हाउस को लीज के आधार पर निजी कंपनियों को सौंपने की योजना तैयार की थी। इनका प्लान था कि घाटे में दिखाकर इन गेस्ट हाउस को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जाए, लेकिन चार्ज संभालते ही अवनीश अवस्थी ने इस पूरे घोटाले पर रोक लगा दी है। विवेक तिवारी, इंडिया 24/7, लखनऊ।